चलिए बात करते हैं सलार और डंकी मूवी को लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, और वो अपडेट है स्क्रीन को लेकर के कि कौन सी फिल्म को कितना ज्यादा स्क्रीन मिला है, सलार को कितना मिला है, डंकी को कितना मिला है, हिंदी बेल्ट पे कितना मिला है, ओवरसीज में कितना मिला है, साउथ में कितना मिला, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड कितना मिला है, कौन आगे है कौन पीछे है, सारा का सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो गाइस डायरेक्टली हम शुरू कर देते हैं, बाकी सारी बातों को कट करके। तो गाइस देखो, ऑल इंडिया की बात करेंगे, ऑल इंडिया ठीक है ना, पूरा का पूरा इंडिया में सारे के सारे लैंग्वेज में सारे के सारे वर्षन में सलार मूवी को मिला है 5,500 से ज्यादा तक की स्क्रीन। सलार मूवी को कितना मिला है? 5,500 से ज्यादा तक की स्क्रीन, 5,500 से ज्यादा तक की स्क्रीन मिला है सलार मूवी को। वहीं पे डंकी मूवी को मिला है 2,750 से ज्यादा तक की स्क्रीन, 2,750 से ज्यादा तक की स्क्रीन मिला है डंकी को। यह है ऑल इंडिया सारे के सारे लैंग्वेज को मिला करके है। तो यहीं पे नॉर्थ बेल्ट पे मतलब हिंदी बेल्ट पे कितना है, क्योंकि भाई हिंदी बेल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा मची हुई है सलार और डंकी मूवी को लेकर के, क्योंकि भाई बात ही कुछ ऐसी है। ओके तो यहां पे देखो, सलार मूवी को हिंदी बेल्ट पे मिला है 3,000 से ज्यादा तक की स्क्रीन, मतलब डंकी मूवी से इतना ज्यादा कि डंकी का ऑल इंडिया ओवरऑल इंडिया के सारे स्क्रीन को मिला करके भी सलार का सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट पे ज्यादा स्क्रीन हो जा रहा है। मतलब डंकी का ओवरऑल सारे के सारे लैंग्वेज में मिला करके ऑल इंडिया स्क्रीन होता है 2,750, और सलार का सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट पे 3,000 से ज्यादा तक की स्क्रीन होते हैं। ओके और वहीं पे डंकी मूवी का हम अगर हिंदी बेल्ट की बात करें तो 2,250 से ज्यादा तक की स्क्रीन मिले हैं, 2,250 से ज्यादा तक की स्क्रीन मिले हैं। ओके और अगर हम बात करें ओवरसीज की, ओके ओवरसीज की बात करें तो सलार मूवी को मिला है 4,000 से ज्यादा तक की स्क्रीन, सलार मूवी को 4,000 से ज्यादा तक की स्क्रीन 4,000+, और डंकी मूवी को वहीं पे मिला है 3,000 से ज्यादा तक की स्क्रीन 3,000+। ओके तो अगर टोटल बात करें तो सलार मूवी को टोटल स्क्रीन वर्ल्ड वाइड टोटल स्क्रीन मिला है 9,500, ठीक है 9,500 से ज्यादा तक की स्क्रीन मिले हैं सलार मूवी को, और डंकी मूवी को मिले हैं 5,750। ओके तकरीबन 6,000 तक की स्क्रीन वर्ल्ड वाइड डंकी मूवी को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि सलार मूवी काफी आगे है, एकदम से डबल हम कह सकते हैं उसी हिसाब से आगे है डंकी मूवी से, जो कि 3,750 मतलब तकरीबन 4,000 से ज्यादा तक की स्क्रीन जो है डंकी मूवी का सलार मूवी से कम है। एकदम से मैं बोल रहा था ना, मैं कल या परसों के एक वीडियो में बता रहा था कि भाई एकदम से ये 60-40, 30-70 ऐसा हो जाएगा बोलकर के, बिल्कुल वही देखने को मिला है जो कि 60-40 हो गया है। ए फिल्म्स के बारे में जब मैं आपको बता रहा था कि ए फिल्म्स एनिमल मूवी को मतलब एनिमल मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो ही हिंदी बेल्ट पे भी मतलब सलार मूवी का भी है, और सलार मूवी को मतलब वो जो जो रिक्वेस्ट का फरमान गया था डंकी मूवी की तरफ से, डंकी मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर लोग सलार मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के पास जो रिक्वेस्ट लेकर के गए थे, और 50-50 कर दीजिए और ये जो मतलब क्लैश हो रहा है इसको स्मूथ तरीके से करने के लिए जो बोले थे, तो वो लोग नहीं माने और वो रिक्वेस्ट के फरमान को वो लोग रिजेक्ट कर दिए। ओके मैं कल ही एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था, जो कि 60-40 स्क्रीन होगा बोल करके मैं आपको बताया था, बिल्कुल वही देखने को मिला है, जो कि 9,500 से ज्यादा तक की स्क्रीन देखने को मिले हैं सलार का, और 5,750 तक की स्क्रीन देखने को मिले हैं डंकी का, और वो भी डंकी को काफी ज्यादा स्क्रीन जब मिल गया है ओवरसीज में तभी ये हुआ है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो डंकी को बहुत ही ज्यादा कम स्क्रीन मिले हैं जो कि 2,750 है, और वहां पे सलार का सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट पे 3,000 से ज्यादा तक की स्क्रीन सलार का है। तो भाई पोटेंशियल तो सलार का बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी, जो कि बहुत जबरदस्त कलेक्शन ये करेगा। ओके बहुत ज्यादा जबरदस्त कलेक्शन ये करेगा। लेकिन मैं यहां पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, भाई दोनों के दोनों फिल्म लगी तो रहा है कि बहुत ज्यादा जबरदस्त होंगे, मतलब जिस जोनर पे ये फिल्म बन रही है, इन दोनों फिल्म का जोनर अलग अलग है, एक है एक्शन मास वाला फिल्म और एक है क्लास वाला फिल्म। ओके तो दोनों के दोनों जोनर जिस तरह का है उसी हिसाब से अगर ये लोगों को कनेक्ट कर जाते हैं तो भाई सलार मूवी का कलेक्शन बहुत ज्यादा होगा, और अगर डंकी मूवी सलार मूवी से अच्छा निकलता है तो सलार मूवी का स्क्रीन भी वो खा जाएगा, मतलब बाद में खींचेगा, जहां पे ऑडियंस जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का मतलब वो स्क्रीन वगैरह वहां पे घटते जाते हैं,
ओके और अगर डंकी मूवी अच्छा नहीं निकला और सलार मूवी अच्छा निकल गया तो यहाँ पे जो 5,750 तो जो स्क्रीन है डंकी मूवी का, वो स्क्रीन को भी सलार मूवी खाता जाएगा। ओके ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी अगर हम बात कर सकते हैं, अभी की अपडेट की अगर हम बात करें तो भाई 9,500 से ज्यादा तक की स्क्रीन है सलार का और 5,750 तक की स्क्रीन है डंकी का। तो डे वन कलेक्शन ना भाई इस तरह का होगा, इस तरह का होगा जो कि भाई हम लोग नहीं सोचे होंगे, ठीक है ना। मतलब एकदम से बहुत ही ज्यादा कम डे वन कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा डंकी मूवी का सलार मूवी से, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है ना। क्योंकि भाई 9,500 और 5,750 4,000 स्क्रीन अगर कम होते हैं डंकी मूवी का तो डे वन कलेक्शन कितना कम होगा देखो, है ना। बात में ये सारा चीज हो सकता है कि स्क्रीन इधर उधर ये सारा चीज, वो अलग बात है। जब ऑडियंस देखेंगे फिल्म को किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन सी फिल्म के साथ जुड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो फर्स्ट वीकेंड का जो बात है ना, जो 2-3 दिन का कलेक्शन जो है भाई सलार मूवी का, बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाली है, बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाली है। यहाँ पे अगर हम रेफरेंस ले ट्रिपल आर मूवी का, तो ट्रिपल आर मूवी का ओवरऑल स्क्रीन कितना था मेरे दोस्त, 9,000 प्लस था। ओके 9,000 प्लस था और उसका कलेक्शन कितना हुआ था, 200 के पार गया था ना, 200 कितना था मुझे याद नहीं आ रहा है, 225-35 ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था। ओके तो 200 से पार था, 200 प्लस था। तो सलार मूवी को लेकर के जो सब लोग सोचते हैं कि ट्रिपल आर मूवी के बाद सलार मूवी का 200 से पार डे वन कलेक्शन जाएगा बोल करके, तो भाई ये डेफिनेटली जाने वाला है, क्योंकि सलार मूवी का ये जो ट्रिपल आर मूवी से भी स्क्रीन जो है काफी ज्यादा देखने को मिला है, जो कि ट्रिपल आर का 9,000 से ज्यादा था, यहाँ पे 9,500 से ज्यादा तक की स्क्रीन देखने को मिला है। तो 200 करोड़ जो है, मतलब 200 करोड़ जो ओपनिंग डे का जो रेकर्ड है ट्रिपल आर का, वो भी अभी खतरे में आ चुका है, उसको भी सलार तोड़ देगा, वो भी डंकी मूवी जैसा एक मूवी के साथ क्लैश करने के बावजूद। उस तरह का खेल यहाँ पे खेला गया है भाई साहब, प्रशांत नील सब कुछ सेट करके ही फिल्म को पोस्टपोन किए थे, ये यहाँ पे एकदम से कंफर्म हो गया। ओके ये यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो मतलब यहाँ पे आप समझ जाओ कि प्रशांत नील क्यों पोस्टपोन किए थे, सब कुछ सेट करके एकदम से पोस्टपोन किए थे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ओके और एक असली मेकर की भी पहचान है। ओके तो रही बात भाई यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो रीमेक वगैरह जो बताया जा रहा था भाई, उसका प्रमाण वगैरह धीरे धीरे आने लगा है। ओके बहुत सारे वीडियो वगैरह जो सलार मूवी के प्रोड्यूसर वालों से मतलब भी सुनने को मिल रहा है, वो लोग ओपनली आकर के वीडियो में बता रहे हैं कि भाई ये जो स्क्रिप्ट वगैरह है लॉकडाउन में लिखा गया है, बस अगर रीमेक आप लोगों को, देखो रीमेक की जब बात होती है, CIA को क्यों बताया गया डंकी का रीमेक बता करके, और सलार को क्यों बताया जा रहा है उग्राम का रीमेक बोल करके, कुछ ना कुछ तो होगा, वो हमें एहसास होगा। अगर हम इस एहसास के बारे में बात करें तो भाई बहुत सारी फिल्मों का एहसास होता है, जो कि भाई अभी जो हाल ही रिलीज हुआ जवान मूवी है ना, जवान मूवी में कितने सारे फिल्मों का एहसास होता है जरा सोचो, कई सारे फिल्मों की मतलब यहीं से स्टोरी लाया गया, वहां से स्टोरी लाया गया, ऐसे करके मार्शल मूवी को बताया गया, ऐसे बहुत सारी फिल्मों का ये बताया गया कि नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो रीमेक मूवी है, तो कुछ ना कुछ एहसास जरूर होता है हर एक फिल्म में। सिर्फ और सिर्फ जवान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जवान अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट है, बहुत ज्यादा कलेक्शन किया है, इसलिए मैं इसका नाम लिया, नहीं तो आप कहीं भी किसी भी फिल्म को उठा करके देख लो, किसी ना किसी फिल्म का एहसास हमें जरूर मिलता है। तो वही एहसास हमें होगा वो जो पंजाबी मूवी को बताया जा रहा है, वो पंजाबी मूवी का एहसास होगा डंकी में, वो जो CIA को बताया जा रहा है उसका एहसास होगा डंकी में, ठीक उसी तरह उग्राम का भी एहसास होगा सलार में, KGF का भी एहसास होगा सलार में, है ना। तो ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा बहुत एहसास जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के लिए रीमेक है भाई। रीमेक होता ना तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग पागल नहीं है कि इतना सारा पैसा खर्च करते ये दोनों फिल्म के अंदर, अरे ये दोनों फिल्म इतना हंगामा होता, हमें कुछ नहीं पता है, ऑडियंस को कुछ नहीं पता है, लेकिन जो लोग पैसे इसमें लगा रहे हैं उनको तो पता है ना, डायरेक्टर बिना बता करके पैसे लगाने के लिए कैसे बोल देगा, और कोई कैसे लगाएगा पैसा। सलार की जहां तक बात होती है भाई, सलार मूवी का अब प्री रिलीज बिजनेस देखो, तकरीबन 1,000 करोड़ तक का प्री रिलीज बिजनेस है उसका, 900 करोड़ से पार है। ये कौन, प्रशांत नील खुद लगाए हैं पैसे क्या, डिस्ट्रीब्यूटर लोग लगाए हैं, प्रोड्यूसर लोग लगाए हैं, तो वो लोग रीमेक मूवी में इतना पैसा लगाएंगे, हमें कुछ नहीं पता, उन लोगों को तो पता है ना, उनको तो बताया गया है कि सलार मूवी में क्या है, तो रीमेक मूवी वो लोग क्या नहीं देखे हैं, उग्राम फिल्म ने देखे होंगे, उग्राम फिल्म वाला नॉलेज नहीं होगा, और इतना भी नॉलेज नहीं होगा तो वो लोग क्या प्रोड्यूसर ऐसे ही खाली पीली बन गए हैं और 900 1,000 करोड़ ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, इतना तो सेंस लगाओ भाई, ये बस फैन हो रहे और कुछ नहीं,
ओके किसी का भी कोई रिमेक नहीं है, दोनों के दोनों फिल्म एकदम से फ्रेश स्टोरी है, फ्रेश है एकदम से। ओके तो बस एहसास थोड़ा बहुत हो सकता है जो कि कोई काम नहीं करेगा, बस कुछ नहीं है। ओके तो गाइस फाइनली मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देना चाहता हूं कि सलार का टोटल ओवरऑल वर्ल्ड वाइड स्क्रीन जो है 9500 से ज्यादा है और डंकी का जो है 5750 से ज्यादा है, जो कि तकरीबन 4000 से ज्यादा स्क्रीन में सलार मूवी रिलीज हो रही है। अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सलार का डे वन कलेक्शन कितना ज्यादा हो सकता है या डंकी से कितना ज्यादा हो सकता है, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।